लोग जिन्हें अपना मुर्शिद समझते हैं, इनके मुर्शिद भी हमारे मुर्शिदों पे दुरूद ना पढ़े, उनकी नमाज नहीं पढ़े। क्या कहना है आप जी, आप जी, आप सुनना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। क्या कहने जाकर कर जहन है बाबा जी का, और खूब चैनल बदल देते हैं। उन्होंने इमाम शाफी का फरमान पढ़ा, और इमाम शाफी आपको पता है रजिस्टर्ड इमाम। अच्छा माशाल्लाह मजमा मेरे सामने है, लोग हमारे पे इल्जाम देते हैं कि शिया जो है ये अली को सब कुछ समझते हैं, बल्कि अगर मेरा मजमा इजाजत है मैं उनकी गलतफहमी दूर कर रहा हूं। खुदारा खुदारा शियों को शिया रहने दो, नुसैरियों को नुसैरी रहने दो। मेरी नुसैरी भाइयों से अपील है कि अपना प्लेटफॉर्म जो है ना वो खुल के बयान, ये शियों की छतरी तले लुक छुप के आश्रय ना लो। हम अल्लाह उसे समझते हैं जिसे अली सजदे करता है। मुझे ताई चाहिए, मुझे ताई। और अगर मजमा इजाजत दे, क्योंकि हम हमें ट्रिपल खेलना पड़ा, इंटरनेशनली हालात बड़े अजीब हैं, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, अपनी शफों में यकजहती पैदा करो। इमरान खान साहब बज़ाहिर अमरीका गया है, लेकिन यूं समझो सऊदीया बैठा है। प्रोग्राम में बड़ी ताकतों का है, अटैक ईरान पे किया जाए, जमीन पाकिस्तान की इस्तेमाल की जाए, वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होना चाहिए, हम भी जिंदा हो और हमारी धरती से मशहद पे अटैक किया जाए। लामा जहन जहन पड़ा, मेरे साथ आपको जागना पड़ेगा। ईरानी मौलवियों से हमें अकीदे में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अगर मासूम कौम के रोजे को निशाना बनाया जाए, अगर हम सब मिलते हैं और ये तसल्ली भी रखो है कि अपना कर जाओ कि जी पता इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने पाल सके, अब तूने सिर्फ इम्तिहान देना है, मशहद वाला मौला जाग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मेरा ख्याल है ये बुजुर्ग है मेरी कौम के जाकिरीन भी, उलमा भी, लेकिन इस वक्त तो मैं अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करना चाहता हूँ और कौम को हकीकी सूरत हाल से आगाह करना चाहिए। एक बंदा कहते जी हम पाकिस्तानी नहीं, हमें अपने वतन की सोचनी चाहिए, ईरान पर अगर अटैक होता है तो हमें को अपने वतन की। पहली बात यह है कि शिया पाकिस्तान में, मैं किस तरह कहूं बाबा जी, जी हम शिया इस मुल्क में मुसाफिर नहीं है। आप चुप रहेंगे मुझे मुझे आपकी तारीफ चाहिए। हम शिया इस मुल्क में किराएदार भी नहीं है, हम शिया इस मुल्क में मेहमान भी नहीं है। बाबा जी मेरी बात की दाई फरमा रहे कि हम इस पाकिस्तान के बांधी हैं,
یہ وکری بات ہے. ہم لوگوں کی جان نہیں کھاتے, لوگوں کے لیے سر درد نہیں بنتے, مگر اللہ کے درمیان کھڑا ہو کے اپنے لفظوں کا سامنے بن کے ملت جعفریہ کے بچوں سے کہتا ہوں, اس ملک کی گلیوں میں سینہ تان کے چلا کرو. بانیے پاکستان محمد علی کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا, امام جعفر